हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो नया दिन, नई जर्नी हमारे मैप में, नया एक और लोकेशन लग गया है। सो अभी हम लोग निकल गए हैं जयपुर के लिए, जो यहाँ से कुछ 9 घंटे का रास्ता है। पर हमारा पहला स्टॉप होगा अजमेर। हम वहाँ से दर्शन करके जाएंगे, वो कुछ 4 घंटे में हमें पहुँचा देगा, तो कुछ 1 बजे हमें पहुँचा देगा। तो वहाँ पर हम एक स्टॉप लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, हम लोग जा रहे थे जयपुर, तो उदयपुर के रास्ते में हमें एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखी जो बहुत ब्यूटीफुल है। देखो, ये शंकर भगवान की। सो लंच डन, अब आगे बढ़ते हैं। वापस हमने बहुत सारे वेफर्स ले, क्योंकि आगे जाके मिले ना मिले, यहाँ पे लेज और बालाजी भी मिल रहे हैं। सो हमारे प्लानिंग में चेंज हुआ है, तो पहले हम लोग जाएंगे अजमेर, वहाँ पे दर्शन करके फिर हम लोग जाएंगे पुष्कर, क्योंकि यहाँ पे किशनगढ़ करके है। सो आज संडे, तो वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, तो हम सोच रहे कि कल मॉर्निंग में किशनगढ़ फिनिश करके फिर हम लोग जयपुर के लिए निकले। तो आज हम ये अजमेर एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक ही टेम्पल है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। सो आज का ये प्लान है। सो हम लोग पहुँच गए अजमेर, एंड अभी हम लोग ने लोकेशन डाला है दरगाह का। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, कहाँ चला गया, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। तो हम लोग आ गए हैं दरगाह के पास, चल के जाना है। यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी, और यहाँ पे सब बहुत परेशान कर रहे हैं, रिक्शा वाले, पार्किंग वाले, होटल वाले, सभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कहते हैं इस दरगाह पे जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, और एक टाइम पे शाहरुख खान के यहाँ पे 5,000 रुपये गुम हो गए थे, तो एक फ़कीर ने कहा था कि जा, आज तेरे 5,000 रुपये गुम हुए हैं तो तू 500 करोड़ कमाएगा। एंड ये बात शाहरुख खान ने उनके इंटरव्यू में भी कही है। सो हम भी आ गए यहाँ पे मत्था टेकने। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं पुष्कर के लिए। पुष्कर है यहाँ से 28 मिनट होंगे, 14 किलोमीटर्स। सो वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेंगे पुष्कर को। सो गाइस, अभी हम लोग पुष्कर में एक जगह पे आए, तो जहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे 7 वंडर्स को क्रिएट किया गया है एक ही जगह पे। सो मैं आपको दिखाती हूँ, दिस आईफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल है, पता नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम ये 7 जगह पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ही देख लिया। एंड ठीक था, छोटे बच्चों वाला था, हम तो 2 मिनट में बाहर आ गए। किसी ने हमें बोला कि यहाँ पे 7 अजाइबी है, आप जाके जरूर देखो, हम देखने आए थे। सो अभी हम लोग आए हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यहाँ पुष्कर में ही है। एंड इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो भी जानते हैं एंड आपको भी बताएंगे। आज का दिन हमने भगवान के लिए रखा है, आज हम दरगाह गए टेम्पल गए। पूरे दुनिया में ब्रह्मा जी का एक लौता मंदिर, शिव जी, विष्णु, श्री राम और कई भगवानों के भारत देश और बाहर भी कई सारे मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एक लौता मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में है। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी की पत्नी ने ही उनको श्राप दिया था, क्योंकि उनके होते हुए ब्रह्मा जी उनकी दूसरी पत्नी के साथ यज्ञ में बैठे थे, इसलिए उनकी पत्नी सावित्री देवी ने उन्हें श्राप दिया था कि पूरी सृष्टि की रचना करने वाले आप अपूज्य रहोगे और आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आए हैं, यहाँ पे एक घाट है, यहाँ पे
आ जाओ। बहुत बड़ी है ये तो, ये कितनी बड़ी बड़ी है। अभी बीच में डालोगे ना तो आएगी, यहाँ पे कॉर्नर पे ना, यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं आ रही है, बीच में आ रही है। आवाज जो है ना इस बीच में डालेंगे ना तो गाइस ज्यादा डालेंगे ना तो बहुत ज्यादा है ना, कितनी बहुत बड़ी बड़ी है। और आज भी सन यहाँ पे, और आज भी हम लोग सनसेट के लिए भाग रहे हैं। हमारा रोज यही होता है, रोज मतलब जहाँ पे भी हम सनसेट देखने जाते हैं वहाँ पे हम ऑलवेज टाइम चुक जाते हैं। गाइस अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे भी डेजर्ट सफारी होती है। ये देखो आगे जा रहे हैं ये ऊंट लेके। हमें पहले पता ही नहीं था कि यहाँ पे होती है, वरना हम टेम्पल बाद में जाते और पहले वो देखने जाते। हम यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आए थे, सनसेट भी हो गया हमारा। जो डेजर्ट सफारी कहाँ पे होती है आगे? क्या बोल? नहीं नहीं है, कहाँ पे मैदान, कहाँ पे कहाँ पे? ये लोग गाइड ही नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग देखो ऐसा ही करेंगे। बे रण कहाँ पे? रण आगे है क्या? देखो रण भी है तो गाड़ी जाएगी नहीं, यहाँ से जीप लेके जाएगी, घुमा के लेके आएगी आपको। नहीं आगे है ना, आगे तो रण, आगे से क्या जाओगे? देख लो पर आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। अरे नहीं लेके जाना, हम लोग चल के जाएंगे भाई। हमें सफारी नहीं करनी, हमने तय किया हम दुबई में करेंगे। हाय हाय, क्या नाम है आपका? बाय 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 बाय। सो यहाँ पे सब ऐसे ऊंट पे जा रहे हैं, कोई सफारी पे जा रहा है, और हम लोग चल के जा रहे हैं। पैसे बचे इन 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट, ये बोला, ये चालू रह गया तो ये बोला। एक्चुअली हम लोग सिर्फ देखने जा रहे हैं कि ये है कि नहीं है, एक्चुअली कैसी है ये सफारी वो, क्योंकि अभी वैसे भी शाम हो गई है, और जैसे कि मैंने कहा हम लोग दुबई में ही करें। ये वैसे होती है जीप सफारी। बाय। मेरे को लगता है आकाश ये रोड ही होगा सिर्फ सफारी के नाम पे। आई थिंक ये रास्ता में ही है आकाश, ऐसा हाइट पे लेके ऐसा करते। सो गाइस सनसेट हो रहा है एंड यहाँ पे हो रहा है डेजर्ट सफारी, लेकिन मुझे कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं वापस। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं पुष्कर में रूम, जो हमारा रोज का काम होता है। हर जगह पे हमें रोज रूम ढूंढना पड़ता है, उसमें हमें एक दो घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिसोर्ट है, 10,000 15,000 5,000 2,000 6,000 ऐसा। हमारे बजट में हम लोग घूम रहे हैं अच्छा सा रिसोर्ट, तो यहाँ पे रिसोर्ट है मोस्टली। यहाँ पे एक है, यहाँ पे पूछ लेते हैं प्राइस। सो गाइस हमें मिल गई हमारी होटल, यहाँ पे रूम है, कितना मस्त है। देखो यहाँ पे गार्डन भी है एंड यहाँ पे स्विमिंग पूल है ये साइड, पर उसके अंदर अभी पानी नहीं है क्योंकि अभी बना है। सो अभी रेस्ट करेंगे, थोड़ा वीडियो एडिट करना है वो करेंगे कल का, एंड खाना खा के सो जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।